सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को प्रवेश सर की नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे एलडीवी कैटेगरी से हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं या एक्स सर्विसमैन है, जो भी ये एक्स्ट्रा कैटेगरीज है ना, तो प्यारे बच्चों उनका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आता, उनका आएगा सेकंड काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट लेटर। तो प्यारे बच्चों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी अपने ये 15 से 20 बच्चे हैं अपना वेट करें, उनका सेकंड काउंसलिंग में होएगा आपका, ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। जिन बच्चों का आज हो गया सीट अलॉटमेंट लेटर, आ गया, यस आया है, तो प्यारे बच्चों ये गाइडलाइन आपने फॉलो करनी है। फर्स्ट गाइडलाइन क्या है, कमेटी रूम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर CCSHAU में आपने 6 तारीख या 7 तारीख को, इन दोनों में से 1 तारीख को पहुंच जाना है सुबह 9 से 4:30 बजे तक, और सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अब तुम कहोगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो प्यारे बच्चों डॉक्यूमेंट्स की वीडियो बनी हुई है, पीछे जाके देखो, डॉक्यूमेंट की वीडियो एज इट इज बनी हुई है, ठीक है। फिर आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद और क्या क्या चाहिए आपको, जो आपकी फीस कट होगी ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मतलब कैश विल नॉट बी एक्सेप्टेड, कैश से आप पेमेंट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, आपने ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है। नेक्स्ट बात, आपने कौन सी गाइडलाइन, एक मेडिकल फिटनेस, ये बिल्कुल आसान है, आप ना अपना सीट अलॉटमेंट लेटर जिस पे यस लिखा हुआ है वो HCU के हॉस्पिटल में लेके जाना, HCU के हॉस्पिटल में आपका वेट देखेंगे, आंखों की थोड़ी आंखें चेक करेंगे, ABCD पढ़वाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल सा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, 2 मिनट में आपको बना के दे देंगे, साइन करके दे देंगे, ठीक है, कोई चिंता नहीं करनी, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो ऑप्शन है आपके पास, कहीं भी जा सकते हो, किसी सिविल हॉस्पिटल में जा सकते हो, PHC CHC जा सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है एक 70 और 71 पेज पे एंटी रैगिंग का, ये जो अपना HCU का प्रोस्पेक्टस है ना, HCU का प्रोस्पेक्टस गूगल से डाउनलोड करके उसके 70 और 71 पेज नंबर जो उसका प्रिंट निकलवा लेना, बस उस प्रिंट पे अपना नाम सारा कुछ भरना है, वो वहां जाके भर लेंगे अपा, 70 और 71 पेज नंबर प्रिंट निकालना है, ठीक है, इसका मतलब ये है जो एंटी रैगिंग वाला। नेक्स्ट बात आती है भाई, यदि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी रही या गलत इंफॉर्मेशन दी या कोई भी कैटेगरी गलत पाई गई तो तुरंत एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, या फीस नहीं है तो तुरंत कैंसिल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बी अलर्ट रहना है आपने, कोई भी एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। यदि किसी के कोई डाउट भी है तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हो दिए गए नंबरों पर, और कमेंट भी कर सकते हो, उस कमेंट पे आपकी वीडियो जरूर बनाएंगे। जिन बच्चों का सिलेक्शन आज नहीं हुआ तो प्यारे बच्चों हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, एग्री अकेडमी आपके साथ है, एग्री अकेडमी आपके साथ खड़ी है, एग्री अकेडमी में आप एडमिशन लो और आपका अगले साल एडमिशन हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। जय जवान जय किसान।